नमस्कार साथियों, राजस्थान निकाय चुनाव के लिए मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू हो गई है। 20 जिलों के लिए 90 निकायों के लिए मतगणना जारी है। 9 नगर परिषद हैं, 80 नगर पालिका और 3,035 वार्ड हैं जिनमें मतदान हुआ था। इनमें से 50 वार्डों में पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, तो बचे हुए जितने वार्ड से वहाँ पे काउंटिंग जारी है। नगर परिषद की काउंटिंग, नगर पालिका की काउंटिंग लगातार चल रही है। तो अभी हम आपको बता दें कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आगे चल रही है, कौन सी पार्टी जीत रही है। तो चलिए हम पार्टी वाइज आपको रिजल्ट बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की। तो बीजेपी इस समय 83 सीटों पर आगे है और इसमें से कुछ सीटें जीत चुकी है। यानी अभी हम बात करें तो काउंटिंग लगातार जारी है और बीजेपी 83 सीटों पर आगे चल रही है और इसमें से कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। यानी लीड प्लस विन दोनों मिलाकर बीजेपी के पास अभी 83 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। नेक्स्ट पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 105 सीटों पर अभी आगे हैं। इनमें से कुछ सीटें कांग्रेस जीत चुकी है और कुछ सीटों पर आगे चल रही है। यानी कांग्रेस के खाते में 105 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं अभी वर्तमान की जितनी गणना हुई है उसमें। यानी कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट अगली बात करें तो अगले इंडिपेंडेंट्स हैं और इनमें कुछ छोटी पार्टियां भी हैं। इंडिपेंडेंट और छोटी पार्टियों को मिला करके हम बात करें तो 78 यानी 78 सीटों पर ये आगे चल रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके अलावा बहुत सारी पार्टियाँ ट्राइबल पार्टी हैं। तो छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियों को मिला करके और इंडिपेंडेंट या निर्दलीय उम्मीदवारों को मिला करके 78 सीटों पर अन्य उम्मीदवार जो है कि आगे चल रहे हैं और इनमें से कुछ जीत चुके हैं। तो चैनल पे आप बने रहिए, लगातार हम आपको आज अपडेट देते रहेंगे।